आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें, सेना में भर्ती ना होने पर फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरे युवा। सेना में भर्ती ना होने से नाराज युवाओं ने रविवार को यूपी और हरियाणा के कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। भिवानी में युवकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। हिसार में रामायण टोल प्लाजा पर धरना देकर 2 घंटे तक सांकेतिक विरोध में टोल फ्री कराया। सिरसा में भावदीन टोल प्लाजा व ऐलानबाद चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड में 11 को होगी हुंकार रैली। 2 साल से सेना भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से युवाओं में भारी नाराजगी है। युवाओं का कहना है कि पूर्व में हुई सेना भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा 1.5 साल बाद भी आयोजित नहीं हुई है। सुभाष चौक पर युवाओं की बैठक में तय हुआ कि 11 मई को रानीखेत में हुंकार रैली निकाली जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। गाँव-गाँव में भर्ती के लिए जुटे युवाओं को भी संगठित किया जाएगा। हादसे में 1 परिवार के 5 लोगों की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में कार खाई में गिरने से 1 ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में वाहन चालक, उसकी पत्नी व 2 बच्चे और उसकी भांजी शामिल है। मृतकों में शामिल युवती की 4 दिन बाद शादी होनी थी। 4 दिन बाद उठनी थी डोली, हादसे में हो गई मौत। तो देवाल ब्लॉक के वांक गांव में 4 दिन बाद 12 मई को शादी होनी थी, लेकिन रविवार सुबह ऐसी बुरी खबर घर पहुंची कि घर में मातम छा गया। पिंकी ने शनिवार को ही मामा व उनके परिवारों के साथ ऋषिकेश से शादी का जोड़ा व अन्य सामान खरीदा था और रविवार को वह घर लौटी रही थी कि तोता घाटी के पास यह हादसा हो गया। इस हृदय विदारक हादसे में पिंकी समेत उसके मामा के परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। पिंकी 2 भाइयों की अकेली बहन थी। प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी। रुड़की रेलवे स्टेशन पर जैसे मोहम्मद के नाम से आया पत्र। रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें 21 मई को लक्सर, नजियाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन समेत कई रेलवे स्टेशनों के अलावा 23 मई को हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है कि पत्र में टारगेट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम भी है। पत्र मिलने से हरिद्वार से नजियाबाद तक खलबली मच गई है। टीमें अलर्ट जांच शुरू। तो रुड़की की टीम ने डीआरएम अजय नंदन को पूरे मामले से अवगत कराया। डीआरएम अजय नंदन ने बताया कि रेलवे ने पत्र को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू करा दी है। जीआरपी और आरपीएफ पत्र पर डाकघर की मुहर की जांच कर रही है। एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि मुरादाबाद अनुभाग के थाने पर टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी के नाम का भी पत्र में जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस धूलिया आज लेंगे शपथ। मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी निवासी जस्टिस सुधांशु धूलिया आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ जस्टिस पारदीवाला भी शपथ लेंगे। 30 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता हो जाएगी। दून में चैन लूटने वाले बदमाश शामली पुलिस ने पकड़े। तो देहरादून में कुछ ही घंटों में चैन लूट की 5 वारदातों को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को रविवार को यूपी की शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद चारों को देहरादून पुलिस को सुपुर्द कर दिया। मुख्यमंत्री धामी चंपावत में आज कराएंगे नामांकन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सोमवार को नामांकन कराएंगे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी चंपावत पहुँचे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, 24,000 ने किए दर्शन। तो भगवान बद्री विशाल के जय घोष और सेना के बैंड की सुमधुर लहरियों के बीच रविवार सुबह 6:15 पर विधि विधान पूर्वक भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। भगवान की पहली अभिषेक पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हुई। इस अवसर पर 24,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किए। नए बोर्ड को जेई मेन व एडवांस की कमान। तो 2 वर्षों तक यानी वर्ष 2022 और 23 में आईआईटी सहित इंजीनियर के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए होने वाली जेई मेन और जेई एडवांस के आयोजन की देखरेख का जिम्मा अब 19 सदस्य एक नए शीर्ष बोर्ड के पास होगा।
पुलिस और एसडीआरएफ को रेस्क्यू में लगे 11 घंटे। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर तपोवन से देवप्रयाग तक रेस्क्यू के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। हार्बर्टपुर में कार की टक्कर से बाइक सवार वन कर्मी की मौत हो गई। तो कोतवाली विकास नगर क्षेत्र में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर सड़क दुर्घटना में वन कर्मी की मौत हो गई। वही खबर है देहरादून से दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव, गिरफ्तार। तो शहर में युवती के साथ दुष्कर्म करने और असली वीडियो बनाकर शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को दबाव डालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ डालने वाला कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सत्यापन न करवाने पर 27 मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। आज छाए रहेंगे बादल, गर्मी से मिलेगी राहत। प्रदेश में आज गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल छाए रहने और उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में 7 नए कोरोना संक्रमित। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें देहरादून में 6 और हरिद्वार में 1 संक्रमित मिला। यूपी में उतारे गए 1 लाख से ज़्यादा लाउडस्पीकर। तो लाउडस्पीकर विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में अब तक 1 लाख से ज़्यादा लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। कोरोना से 20 साल बूढ़ा हो सकता है इंसान का दिमाग। तो कोविड से आपके दिमाग पर भी गहरा असर पड़ सकता है। ये वायरस आपके दिमाग की कार्यप्रणाली पर भी असर डालता है। हाल में आई एक स्टडी बताती है कि कोरोना के दौरान दिमाग की कोशिकाओं पर जितना असर पड़ता है वो 20 साल उम्र के बीच जाने जितना होता है। फिर बढ़ रही कोरोना की स्पीड। तो हाल ही के दिनों में कोविड संक्रमण को लेकर के पूरी तरह से लापरवाह हो गए हैं। मास्क लगाना अनिवार्य किए जाने के बावजूद सड़कों, बाजारों, दफ्तरों और अन्य पब्लिक प्लेसेस पर 90% से ज़्यादा लोग बिना मास्क नजर आ रहे हैं। इस बीच बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन दून और उत्तराखंड में इन्फेक्शन रेट में बढ़ोतरी हो रही है। मई के पहले हफ्ते में राज्य में इन्फेक्शन 1.13% रहा। इससे पहले फरवरी लास्ट वीक में इन्फेक्शन रेट 1% से ज़्यादा रहा था। 20 से 26 फरवरी के वीक में इन्फेक्शन रेट 1.84% था। दर्जन भर राशन डीलर्स को नोटिस। तो जिला पूर्ति विभाग की टीम ने सिटी में संचालित हो रहे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इनमें कई खामियां पाई गई, जिसके बाद 12 राशन डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 10 जिलों के शारीरिक दस्ता परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत 15 मई से होने जा रही 10 जिलों के शारीरिक दक्षता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। चार धाम यात्रा की वजह से 3 जिलों में 15 जून से परीक्षा होगी, जिसके एडमिट कार्ड बाद में जारी होंगे। पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों के लिए प्रदेश भर में करीब 260,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने इन उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 मई से कराने की घोषणा की है, लेकिन रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जिले में चार धाम यात्रा चलने की वजह से पुलिस मुख्यालय ने तिथि आगे बढ़ा दी है। इन जिलों में 15 जून से परीक्षा होगी। एक बार फेल तो बाहर, आयोग ने सभी उम्मीदवारों को ताकीद की है कि शारीरिक दक्षता की किसी भी स्पर्धा में अनर्य घोषित होने पर पूरी भर्ती प्रक्रिया से उम्मीदवार बाहर हो जाएगा। सभी उम्मीदवारों को इस आशय में प्रपत्र पर साइन भी करने होंगे। जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा को पास करेंगे वही उन्हें ही लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। सुबह 7:30 बजे पहुंचना अनिवार्य। तो आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 7:30 बजे तक अपने केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों ने की नियुक्ति प्रक्रिया बहाल करने की मांग। तो एलटी भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने स्थगित नियुक्ति प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की। उन्होंने इस संबंध में सरकार और शिक्षा विभाग से नैनीताल हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपे हैं। अक्टूबर 2020 में उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने एलटी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। 8 अगस्त 2021 को परीक्षा होने के बाद 31 दिसंबर 2021 को परिणाम भी घोषित हो गया है, लेकिन परिणाम जारी होने के बाद हिंदी, व्यायाम और सामाजिक विषय के कुछ छात्रों ने प्रश्नों को लेकर के उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर कर दी। न्यायालय ने सभी विषयों के अभिलेख सत्यापन पर रोक लगा दी। चयनित अभ्यर्थी
का कहना है कि एलटी भर्ती परीक्षा के विज्ञापन जारी हुए 1.5 साल से अधिक समय हो गया है। विवाद सिर्फ 3 विषयों में था, लेकिन न्यायालय के आदेश की वजह से निर्विवाद विषयों वाले लगभग 800 अभ्यर्थी अधर में लटक गए। पिछले 3 महीने से मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे उन्होंने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर के कुंवर को ज्ञापन सौंपते हुए निर्विवाद विषयों के संबंध में न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करने की मांग की है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो जीएमसी जम्मू में रिक्त पद, तो 35 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें जूनियर ग्रेड, नर्स असिस्टेंट, फार्मासिस्ट सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनएचएम सीजी में मौके तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईजीआई एविएशन सर्विस में 1095 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कार्यपालक में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय में भी भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC के द्वारा 253 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पवन हंस लिमिटेड में 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। धामी के नामांकन में भाजपा दिखाएगी ताकत, तो पूर्व CM, कैबिनेट मंत्री व कुमाऊं के विधायक होंगे शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट आज चंपावत पहुंचेंगे। 7 बड़ी पेयजल योजनाओं को मंजूरी, तो उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत 7 बड़ी पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। वन दरोगा भर्ती परीक्षा पर आपत्ति खारिज, तो समूह ग इस तरह की 2 बड़ी भर्तियों पर लगा ब्रेक खत्म हो गया। उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा पर कुछ आवेदकों की ओर से दाखिल आपत्ति को परीक्षा के बाद खारिज कर दिया। 6 महीने से अटकी दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया। आयोग ने स्नातक स्तर परीक्षा में भी वेरिफिकेशन की तिथियां जारी कर दी हैं। आयोग ने 2019 में वन दरोगा के 316 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। पिछले साल लिखित परीक्षा के बाद आयोग दिसंबर में इसका परिणाम जारी कर चुका है, लेकिन तब कई युवाओं ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया और परीक्षा के बाद कई प्रश्न को हटाए जाने पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में वाद दायर किया था। आसान होगी साइंस की पढ़ाई, 430 लैब हाईटेक होंगे। पर्यटन सीजन में बस और ट्रेनें फुल, नहीं मिल रही सीट, तो रोडवेज की वॉल्वो बसों में वीकेंड से 1 दिन पहले ही सभी टिकट हो जा रहे हैं बुक। रोडवेज ने चारधाम का बढ़ा हुआ किराया लिया वापस, तो रोडवेज ने चारधाम यात्रा का बढ़ा हुआ किराया वापस ले लिया है। रोडवेज मनमाने तरीके से किराया बढ़ा रहा था। नंदा देवी एक्सप्रेस में फिर बेडरोल की सुविधा मिलेगी। हाउस टैक्स में 20% छूट का लाभ उठाएं, तो नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स जमा करवाने पर 20% की छूट का लाभ ले सकते हैं। सरकारी राशन की 3 दुकानों पर लटके मिले ताले। मसूरी की शांत वादियों में बढ़ रहा पक्षियों का संसार। केदारनाथ में बरामदों और खुले में रात बिता रहे यात्री, तो चारों धामों में क्षमता से कई गुना ज़्यादा यात्री पहुंचने से गड़बड़ाई व्यवस्था। दर्शन के लिए 2 से 4 घंटे बाद आ रहा है नंबर। वही खबर है, देहरादून से ट्रक से गिरकर मजदूर घायल हो गया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, तो कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर मातृ दिवस पर महिलाओं को महंगा रसोई गैस सिलेंडर देने का आरोप लगाया। आक्रोशित कांग्रेसियों ने डालनवाला में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकालेंगे पेंशन प्रकाश यात्रा, तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के प्रदेश भर में पेंशन प्रकाश यात्रा निकाली जाएगी। 29 मई से 7 जून तक यात्रा निकलेगी। पौड़ी में उमेश डोभाल स्मृति समारोह का आयोजन 14 से होगा। टपकेश्वर में 8 ट्रॉली कचरा एकत्र किया, तो टपकेश्वर क्षेत्र
में शहर के वरिष्ठ नागरिक और युवाओं ने सफाई अभियान चलाकर 8 ट्रॉली कचरा एकत्र किया। देवप्रयाग क्षेत्र में 4 महीने में 13 लोगों ने जान गंवाई, तो देवप्रयाग क्षेत्र में वाहन दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरकाशी में कार में लॉक हुआ युवक। तो उत्तरकाशी के चुंगी बड़ेथी टनल में गाड़ी चलाते वक्त एक युवक अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया, जिसके चलते वह चलती गाड़ी के अंदर ही बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में युवक गाड़ी के अंदर ही लॉक हो गया। यातायात पुलिस निरीक्षक राजेंद्र नाथ ने बताया कि रविवार को नाकुरी निवासी अभिनव सिंह स्कॉर्पियो गाड़ी ड्राइव कर उत्तरकाशी की ओर आ रहा था। बद्रीनाथ के दर्शन के लिए लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन। तो पहले रावल ने किया गर्भगृह में प्रवेश, भगवान के जयकारे लगाए। यमुनोत्री में महिला यात्री को पीठ पर ले जाकर अस्पताल पहुंचाया। वही खबर आई है, एक हफ्ते में 14 यात्रियों की मौत। चारधाम यात्रा के दौरान एक सप्ताह में जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या 14 पहुंच गई है। इसमें 4 केदारनाथ और 10 की गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा के दौरान मौत हुई है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर हार्ट अटैक से यात्री की मौत। थाना प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र बगड़ ने बताया कि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर जानकी चट्टी से कुछ दूरी पर यमुनोत्री धाम जाते समय जगदीश मीठा दुबे पुत्र मीठा लाल दुबे निवासी अरुड़ा अपार्टमेंट साईं बाबा मंदिर मीरा रोड की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वही खबर है, श्रीनगर से आईटीबीपी का जवान छेड़छाड़ में गिरफ्तार। किशोरी की शिकायत पर हरियाणा निवासी बलवंत पर मुकदमा दर्ज किया गया। कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों ने लगाया कोविड का टीका। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर किया रक्तदाताओं का सम्मान। तो भारतीय रेड क्रॉस समिति उत्तरकाशी की ओर से विश्व रेड क्रॉस दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सहकारिता भर्ती या घपले में अफसरों की भूमिका संदिग्ध। तो सहकारिता विभाग की भर्तियों में होने वाली गड़बड़ियों में सहकारिता के अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध है। वही खबर है, यह रुद्रपुर से फर्जी तरीके से नौकरी पाने के आरोप में सिपाही पर केस दर्ज किया गया। हल्द्वानी से खबर है, डॉक्टर पति पर दहेज उत्पीड़न, नंदोई पर दुष्कर्म का आरोप लगा। जेनेरिक दवा लिखने से परहेज कर रहे डॉक्टर, तो शासन की एडवाइजरी का असर नहीं। गरीब जनता को मामूली बीमारी के लिए खर्च करने पड़ते हैं हजारों रुपए। दून चिकित्सालय में होगा अनिंद्रा का इलाज, खुलेगी स्लीप लैब। तो मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग की बैठक में लिया गया फैसला। गंगा सप्तमी पर 6 लाख से अधिक श्रद्धालु ने लगाई डुबकी। वही खबर है, श्रीनगर से रैगिंग के प्रयास में 3 छात्र की निष्कासित। तो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में कर रहे थे रैगिंग का प्रयास, 3 छात्रों को 3 महीने के लिए हॉस्टल से निकाला गया। बागेश्वर में डेंगू की दस्तक से हड़कंप। तो 3 छोटे बच्चों को डॉक्टरों ने बताया हल्के लक्षण, सफाई पर ध्यान देने की दी सलाह। अल्मोड़ा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, पारा लुढ़का। तो रविवार को मौसम ने एक बार फिर करवट बदला। दोपहर बाद तेज हवाओं बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हुई। दिन के समय ही तेज बारिश से हल्का अंधेरा छा गया। वही खबर है, नहाते समय छात्र की बल्टा गदेरे में डूबने से हुई मौत। तो अल्मोड़ा से खबर है, पुत्र की मौत से घर में मचा कोहराम, ट्यूशन के बहाने निकला था घर से। वही खबर है, अल्मोड़ा से शराब पीने व पिलाने वाले 42 लोगों पर जुर्माना वसूला गया। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा न होने से युवाओं में आक्रोश। तो परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की छूट देने की मांग की गई। वही खबर है, यह परीक्षा में शामिल हुए 479 प्रत्याशी। तो जिला मुख्यालय में रविवार को 3 केंद्रों में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा कराई गई। परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है। वही खबर है, यह हल्द्वानी से 15 जून तक चालू होगा डबल लेन पुल। बनभूलपुरा में आग की बिकराल लपटों से 6 दुकानें राख। तो रात 2 बजे लगी आग, सुबह 5 बजे बुझाई जा सकी। वही खबर है, यह भीमताल से सफ़ेद मक्का उगाने वाले खेत बंजर। तो अमृतपुर में 500 एकड़ जमीन पर होती थी मक्के की खेती। पहले कैंटर फिर पेड़ से टकराई कार, 7 लोग घायल हो गए। हल्द्वानी से खबर आई है,
गरीबों के हक पर कुंडली मारे राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। आंधी बारिश से लड़खड़ाई बिजली आपूर्ति, गदरपुर में छत उड़ी। तो शनिवार शाम दानपुर सब स्टेशन में 33 केवी बिजली लाइन के 6 पोल गिरने से क्षेत्र की आपूर्ति रविवार को भी प्रभावित रही। वही खबर आई है रुद्रपुर से, वन निगम की गिल्टे चोरी में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर गुस्सा, तो महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरा। सीएम धामी आज करेंगे नामांकन, तो वन बसा से सड़क मार्ग से नामांकन कराने पहुंचे सीएम, जनसभा भी होगी। खाक छानती रह गई दून पुलिस, यूपी पुलिस ने पकड़े 4 बदमाश। अब झादरा में बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, तो अफसरों कर्मियों संग दस्तावेज झादरा भेजने की तैयारी है। यात्री वाहनों का टोटा, चारधाम यात्रा में सिटी बसें भी लगाई गई हैं। बॉक्सिंग में तनुज और पुरुषोत्तम ने जीता गोल्ड। रिजल्ट से नाखुश बच्चों को टर्म सेकंड परीक्षा से उम्मीदें हैं। राजधानी में घुसे मेरठ के 4 बदमाश, पुलिस सतर्क, तो लूट और दरोगा को गोली मारकर रहे फरार, 2-2 लाख का इनाम है। वही खबर है देहरादून से, कोचिंग जा रही युवती से कार में बैठाकर छेड़खानी। तो दोस्त के साथ कोचिंग जा रही युवती को एक युवक ने अपनी कार में जबरन बिठा लिया, उसके दोस्त को वहां से पीटकर भगा दिया। युवती का आरोप है कि युवक ने उसके साथ छेड़खानी की, वह अक्सर उसे फोन पर धमकियां भी देता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भक्तों को अब सुविधाओं की दरकार, तो रोपवे ने बढ़ाया आकर्षण। अब पार्किंग, प्रतीक्षालय और शौचालय की सुविधा की कमी अखर रही है भक्तों को। रोज 500 से अधिक श्रद्धालु ले रहे रोपवे का लाभ। हुए खबर है हरिद्वार से, हादसा ग्रस्त ट्रक से गिरे चावल बटोरने टूटे लोग। तो शनिवार रात मैक्स से भिड़ंत के बाद चंडी पुल के नीचे गिरा था चावलों से भरा ट्रक। वही खबर है रोशनाबाद से, संतान पैदा नहीं होने पर बेटे और बहू से मांगे 5 करोड़ रुपए, तो महिला ने दोनों के खिलाफ ACJ SD कोर्ट में दायर किया वाद। शिवालिक नगर में नकदी और आभूषण चोरी मुकदमा दर्ज, तो रानीपुर पुलिस ने कई दिन छिपाए रखी वारदात। बात करता है नैनीताल खबरों की, तो सुजा तिवारी अस्पताल में पर्ची से हो रहा रोगी का इलाज, 5 दुकानों में आग, लाखों की क्षति हुई। वहीं खबर है कालाडूंगी से, तेज आंधी ने जड़ से उखाड़ डाले फलदार वृक्ष। कैंटर और कार की टक्कर में 8 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है हल्द्वानी से पार्किंग शुल्क का विरोध किया गया। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नामांकन, आज बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। लोहाघाट नगर में सुधारें यातायात व्यवस्था, ग्रामीण सड़क सुधारने के लिए ग्रामीणों ने प्रश्न किया, तो पाखू पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जिला जज के बेटे की मौत हो गई। एबर्ट माउंट इको हट में रहना हुआ महंगा, तो 2800 से बढ़कर 4000 रुपये हुआ एक दिन का किराया। कसार देवी के गदेरे में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत हो गई। वही खबर है बागेश्वर से, बागेश्वर के 2 पेट्रोल पंप में खत्म हुआ पेट्रोल। अस्थायी शिक्षकों के भरोसे गरुड़ के 7 स्कूल, तो गरुड़ ब्लॉक में 7 प्राथमिक विद्यालय लंबे समय से शिक्षक विहीन चल रहे हैं। रुद्रपुर से खबर आई है, श्रद्धालुओं से भरा ई रिक्शा पलटा, मासूम की मौत हो गई।